हाय फ्रेंड्स, डेलिकेसीज ऑन द प्लेट में आपका स्वागत है। आज मैं बनाऊंगी मिक्स वेज। ये बहुत ही इजी और सिंपल रेसिपी है, लो कैलोरी रेसिपी है, ये आसानी से बनाया जा सकता है। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। मिक्स वेज बनाने के लिए यहाँ पर मैंने कढ़ाई को गर्म होने के लिए रख दिया है। इसमें मैं करीब 6 से 7 बड़े चम्मच तेल डाल दूंगी और तेल गर्म होते ही इसमें आधा छोटा चम्मच जीरा, करीब 30 सेकेंड के लिए इसे मैं तेल में पका लूंगी। फिर 2 तेज पत्ते यहाँ पर मैंने डाल दिया है और 1 काश्मीरी लाल मिर्च जिन्हें छोटे टुकड़ों में काट लिया है मैंने, 1 बड़ी इलायची, 1 चक्री फूल जिसे स्टार एनिस भी कहते हैं, 5 से 7 दालचीनी के टुकड़े, करीब 5 से 6 लौंग, इनको डालकर करीब 30 सेकेंड के लिए पका लूंगी। इन खड़े मसालों का एक अच्छा फ्लेवर आ जाता है सब्जी में। अगर आप सिर्फ सूखे मसालों से बनाएंगी तो बहुत ही सिंपल रेसिपी बनती है। और अब इसमें मैंने करीब 2 बड़े चम्मच काजू और बादाम बारीक काट कर डाल दिया है और इन्हें सुनहरा होने तक भूनने के बाद 1 बड़ा प्याज जिन्हें बारीक काटा हुआ है इसे भी डाल दूंगी। और अब प्याज को भी सुनहरा होने तक भून लेना है। यहाँ पर मैंने 2 हरी मिर्च डाल दी है जिससे 2 टुकड़ों में काट लिया है मैंने, इसे भी मैं प्याज के साथ भून लूंगी। और फिर अब इसमें मैं डालूंगी 1 बड़ा चम्मच कूटा हुआ लहसुन और 1 बड़ा चम्मच किसा हुआ अदरक। आप इनका पेस्ट बनाकर भी डाल सकते हैं। और इसे भी मैं करीब 30 सेकेंड के लिए भून लूंगी। मेहमानों के लिए जनरली हम 1 ग्रेवी वाली सब्जी बनाते हैं और इसके साथ 1 सूखी सब्जी भी बनाते हैं, तो ये बहुत ही अच्छी रेसिपी है। इसे आप ज़रूर ट्राई करें, आपके मेहमानों को, आपके घर वालों को, सबको बहुत पसंद आएगा। और अब यहाँ पर मैं सब्जियाँ डालूंगी, तो 1 बड़ी शिमला मिर्च को लेकर मैंने काट लिया है। इसे मैं कढ़ाई में डालकर करीब 1 मिनट के लिए भून लूंगी। आँच को मैंने मीडियम फ्लेम पर रखा हुआ है। फिर 1 छोटा बाउल यहाँ पर गाजर है, इसे भी मैं पैन में डालकर करीब 1 मिनट के लिए भून लूंगी। इस सब्जी को बनाने के लिए आप जितनी वैरायटी की सब्जी यूज करेंगे उतना अच्छा ये डिश बनेगा। करीब 1 बाउल यहाँ पर फ्रेंच बीन्स है, इसे भी मैंने बारीक काट लिया है, इसे भी डालकर करीब 1 मिनट के लिए भून लूंगी। बहुत ही कॉमन सब्जियां मैंने इसमें यूज किया है। 1 छोटा बाउल बेबी कॉर्न है जिसे छोटे टुकड़ों में काट लिया है। ये सारी सब्जियां आसानी से मार्केट में मिल जाती हैं। इसमें से 2 से 3 वैरायटी तो करीबन रोजाना ही घर में होती हैं। फिर 1 बड़ा बाउल यहाँ पर मेरे पास फूल गोभी है जिसे छोटे टुकड़ों में काट लिया है, इनको भी मैं कढ़ाई में डालकर करीब 2 मिनट के लिए भून लूंगी। सब्जियों का अच्छी तरह भुना जाना बहुत ज़रूरी है, इसी से इस डिश का टेस्ट अच्छा आता है। सब्जियाँ अगर अच्छी तरह न भुनी जाए तो इसका टेस्ट उतना अच्छा नहीं आएगा। और अब यहाँ पर मेरे पास 1 छोटा बाउल हरी मटर है जिसे मैंने कढ़ाई में डाल दिया है, इसे भी मैं बाकी सब्जियों के साथ पका लूंगी। अब सारी सब्जियां मैंने डाल दी हैं। आप इसके बाद चाहें तो आलू चाहे पनीर डाल सकते हैं। हो सकता है कि रोज़ाना ये सारे वेजिटेबल्स आपके घर में ना हो, लेकिन अगर इसमें से 2 या 3 वेजिटेबल्स भी अगर आपके पास हैं तो आप आसानी से बना सकते हैं, जैसे कि गोभी, फंसी, मटर, फिर आप आलू डाल लें। तो 4 सब्जियां आपके पास हो जाएंगी, आप आसानी से बना सकेंगे इस रेसिपी को। बेबी कॉर्न ना हो तो आप मकई के दाने भी डाल सकते हैं। तो इस तरह से ये सब्जी बहुत ही फ्लेक्सिबल है, जो सब्जियां चाहे आप यूज़ करके इस डिश को बना सकते हैं। आप इस सब्जी का आनंद पूरी, पराठा, नान,
चाहे तंदूरी रोटी किसी के साथ भी उठा सकते हैं। अगर सारी सब्जियां कटी हुई हैं तो महज 10 मिनट में ये सब्जी बनकर तैयार हो जाती है। यहाँ पर सब्जियां भुनी जा चुकी हैं तो अब मैं इसमें सूखे मसाले डालूंगी। आधा चम्मच हल्दी पाउडर, 3/4 चम्मच गरम मसाला, आधा चम्मच धनिया पाउडर, 1/4 चम्मच जीरा पाउडर और 1 छोटा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। इन मसालों को कढ़ाई में डालकर सब्जियों के साथ अच्छी तरह मिलाकर करीब 1 मिनट के लिए पका लूँगी, तो इससे इन मसालों का फ्लेवर सब्जियों में अच्छी तरह उतर आएगा। मसालों के बाद इस सब्जी में मैं नमक डाल दूंगी स्वाद अनुसार और इसे अच्छी तरह मिलाकर करीब 2 मिनट के लिए और भून लूंगी। नमक डालने के बाद सब्जियां पानी छोड़ने लगेंगी तो इसमें मुझे ऊपर से पानी डालने की ज़रूरत नहीं है, ये सब्जी अपने ही पानी में पकेंगी तो इससे ये और टेस्टी बनती है। नमक डालने के बाद 2 मिनट के लिए भून लिया है तो अब इसमें मैं 3 मीडियम टमाटर जिसे बारीक काट लिया है इसे डालकर अच्छी तरह मिला लेना है। टमाटर भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है तो अच्छी मात्रा में इसे डालें। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सब्जियों में से पानी निकलना शुरू हो गया है। अब मैं इसमें टमाटर डालकर अच्छी तरह मिलाकर इसे करीब 5 से 6 मिनट के लिए ढक कर पकाऊंगी तो इससे टमाटर भी अच्छी तरह पक कर गल जाएगा और सब्जियों में मिल जाएगा। आंच को मैंने धीमा कर दिया है और अब इसे मैं ढक दूंगी। ढकने के बाद आप देखेंगे कि सब्जियों में से और पानी निकलना शुरू हो जाएगा तो इसी पानी में ये सब्जी पकेंगी। पाँच से छः मिनट के लिए पकाने के बाद ढक्कन हटाकर इसे मैं अच्छी तरह चलाकर मिला लूँगी। टमाटर आप देख सकते हैं कि अच्छी तरह पक गया है और अब इसे मैं खुले पैन में करीब 2 मिनट के लिए और पकाऊंगी। अगर मैं इस समय फ्लेम बंद कर दूंगी तो इस सब्जियों में से एक स्टीमी वेजिटेबल का फ्लेवर आएगा, जैसे भाप कर पकाई गई सब्जी का आता है, वो फ्लेवर मुझे नहीं चाहिए। तो ढक्कन हटाने के बाद भी इसे थोड़ा सा भूनना बहुत ज़रूरी है। इसमें मैं बारीक कटा हुआ धनिया डालकर करीब 1 मिनट के लिए और भून लूंगी तो इससे धनिया का भी फ्लेवर सब्जियों में अच्छी तरह उतर आता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने अच्छी मात्रा में धनिया के पत्ते बारीक काट कर डाले हुए हैं। और सब्जियां जब अच्छी तरह भून जाए तो सर्व करने के लिए मैं एक सर्विंग बोल में सब्जी को निकाल कर बारीक कटे हुए धनिया पत्ता से और बारीक कटे हुए बादाम से गार्निश कर लूँगी तो ये टेस्टी होने के साथ साथ दिखने में भी बहुत अट्रैक्टिव लगेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये सब्जी कितनी टेम्प्टिंग लग रही है। मिक्स वेज तैयार है। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर ज़रूर करिए और सब्सक्राइब करिए इस तरह की और भी बहुत सारी टेस्टी रेसिपीज़ के लिए। बेल बटन दबाना ना भूलें, इससे आपको आगे आने वाले सारे रेसिपी वीडियोज़ का अपडेट मिलता रहेगा।